वेलकम फ्रेंड, वेलकम अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं रिव्यू करूँगा मेरे ये स्मार्ट वॉच एस का, जो कि क्रॉसबिट का है। और ये देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है IP68, जो कि वाटरप्रूफ है। ये कंपनी दावा करती है कि ये एक वाटरप्रूफ वॉच है, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो इसके डिस्प्ले में कितनी सारी वाटर है, या जो भी हो, ये डिस्प्ले 2 मंथ में ऐसा हाल हो गया है। मैंने इसे कंप्लेंट भी किया, और मेल करने के बाद मुझे बताया गया कि आप वॉच भेजो, उसके बाद मैं इसे चेक करके आपको बताऊंगा ये बनेगा या नहीं। तो मेल करने के बाद ये मुझे एक मेल रिटर्न आया कि ये IP68 के तरह ये वाटरप्रूफ है, और इसका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये कवर करेगा। बट दोबारा एक मेल आया फिर से कि ये लिक्विड प्रूफ नहीं है, ये कॉफ़ी जूस वगैरह से ये अगर डैमेज होता है तो ये कंपनी रिस्क नहीं लेगी। बट फिर एक जब मुझे मेल आया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको रिप्लेसमेंट का 3299 चार्ज देना पड़ेगा, इसका IC जल गया है सॉल्ट वाटर के वजह से। आप बताओ दोस्तों, ये वाटरप्रूफ होने के बावजूद ऐसे कैसे हो सकता है? जब कंपनी दावा करती है तो ये डिस्प्ले आप देख रहे हो कितना क्लियर ही नज़र आ रहा है। तो एक तरह से मेरे हिसाब से ये वॉस्ट ऑफ मनी है, और वेरी बैड सर्विस है इसका, काफ़ी ही ख़राब सर्विस, बेकार सर्विस है। और ये 3500 का वॉच है, और 35 डेज़ भी अच्छे से नहीं चला, 35 डेज़ से प्लस चला, बट 60 डेज़ अप्रॉक्स हुआ होगा। और आप देख पा रहे हैं ये डिस्प्ले कितना बेकार हो गया है। मेरे तरफ से इसका रिव्यू मैं दूंगा तो 2 से 3 दूंगा, अगर ओवरऑल 10 का हो तो। काफ़ी बेकार है, क्रॉसबिट का सर्विस तो बहुत बेकार लगा मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।